हाय हेलो, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी देहरादून से हो रही है और आज नित्या भी तैयार हो गई है और सभी लोग हो रहे हैं तैयार, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं मौसी के घर के लिए। कैसा लग रहा है? चाचू के यहाँ जा रही है। हेलो गद्यप्पा, गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। आ जाओ अब। तो नित्या जो है अपने मौसी के घर पहुंचने से पहले नाना नानी के घर पहुंच गई है और साथ ही जो है मौसी भी पहुंच गए हैं हल्के हल्के कदमों से। जल्दी आओ। मौसी जॉय, और क्या हो रही? बढ़िया बढ़िया हो रही। मौसी सोया उठा? हाँ अभी तो सो रहा है, गया है सोने। खुशमन सिंह? खुशमन गया है। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज हम मौसी के घर जा रहे हैं करके, तो मौसी के घर जाने से पहले हम लोग आ गए हैं नित्या के नाना नानी के घर। तो आज जो है नित्या पहली बार अपने नाना नानी जी के घर आई है, तो नित्या को पूरा घर दिखाते हैं, है ना, है ना बच्चे। तो सभी लोगों की बातचीत चल रही है अंदर। चलो फिर, मकान देख लिया है नित्या ने भी और लोगों ने तो पहले भी देख लिया था, नित्या ने आज देख लिया है, तो अब चलेंगे। महाराज जी प्रणाम, कैसे हो? ये मौसी दादी बिठा दे रहे हैं। आजा 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 ओके जी, तो अभी मैं आया हुआ हूँ बाहर गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि ना जहाँ पे मौसी लोगों का घर है वहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, तो हमने थोड़ा इधर लगा ली थी। बाकी अभी जो है नित्या और नेहा के मम्मी पापा पूजा लोग शायद जाएंगे गड़ी साइड को, और मैं हो सकता है उनके साथ भी जाऊं या हो सकता है मैं यहाँ भी रुक सकता हूँ, क्योंकि ना मौसा जी को भी बाजार में थोड़ा सा काम है। तो चलिए पहले तो चलते हैं घर के पास। चलो जी, मौसी को भी मैंने बाय बाय बोल दिया है और अब मौसा जी बात कर रहे हैं। अगर काम हो रहा होगा मार्केट का तो मैं रुकूंगा, फिर मौसी को बाद में बाय बाय बोलूंगा, अगर काम नहीं हो रहा होगा तो मैं अभी चले जाऊंगा। तो बाय बाय साथी हो गया है, बाय। चलो ठीक है, बाय। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, नेहा लोग भी चले गए हैं, बाकी साथी अब मौसम भी खराब जैसा हो रहा है, काले बादल आने लग गए हैं, और अब मौसा जी और मैं भी चलते हैं और मौसा जी का जो भी काम है मार्केट का वो करके आते हैं। तो देखिए फिलहाल अभी बाहर पे मौसा जी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मौसी लोग जो है जमीन ले रहे हैं करके, तो अभी मौसा जी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जिनसे जमीन खरीद रहे हैं, तो जमीन से संबंधित ही कुछ कामकाज होने वाला है आज का। तो अब बारिश की बूंदें भी आने लग गई हैं। तो वहाँ से घर आने के बाद ना खाना वाना खाया, दिन का बढ़िया सी नींद आ गई थी। अभी देवा का फोन आया, वो लेने के लिए आया है, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ भाई, नहीं आई नींद? अरे गुड़िया।
तो आज ना हम लोग गोलगप्पे खाने वाले हैं, और टेबल में देखिए बर्तनों की जगह कपड़े रख रखे हैं। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि नित्या के ना ज़्यादातर कपड़े गीले हो जाते हैं, तो बाहर बारिश आने की वजह से आज टेबल में सुखाने के लिए डाले हुए हैं, और ऊपर पंखा चल रहा है और हवा से ही आज कपड़े सूखेंगे। तो अब नित्या जाएगी अपनी गाड़ी में घुई घुई घुई। बाय बाय पापा चेंग, बाय। गोलगप्पा खाओगे नीना? ओके, जल्दी जल्दी खिलाओ फिर गोलगप्पे। आज कुछ खास है क्या जो हम गोलगप्पे खाएंगे? मैं तो रोज खाते हूं। रोज कब खाए? रोज खाली कुछ भी चलो जल्दी खिलाओ। तो जैसे ही गोलगप्पे की बात आती है ना, मुंह में पानी भी आ जाता है। हाँ, मेरा तो कुछ ज्यादा आ रहा है। जल्दी एक तो खिलाओ यार। ओहो पूजा देखो कितनी जल्दबाजी में है। आराम से पूजो, आराम से। उथुर लगेगा। उथुर लागल, उथुर मतलब जल्दीबाजी में खा के ऐसा नहीं होता है वो। लाग, लाग, लाग। सब लोग गोलगप्पे खा रहे हैं और हमारी नित्या उंगली खाती है। पापा पापा ये देखा है ना, पापा पापा बोलो फिर से। अभी जी बोल रही थी देखा। देखा पापा पापा कहती है, गुड गुड पापा। ए हे पापा कह लिया बच्चे, बोलो फिर से। अब नहीं बोलना? हाँ जब रिकॉर्ड होता है तभी नहीं बोलना होता है ना। तो आज हम नित्या को खिलाएंगे ओट्स। खाएगा ना पापा ओट्स? ओट्स खाएगा ना, है ना, है ना, 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 ना। ए, ए, अब अपने बाल नहीं खींचना गंदा। ले ले, कौन खाएगा कौन खाएगा? नित्या खाएगी, नित्या खाएगी, नित्या खाएगी। हाँ आधे से ज्यादा तो भारी कर दिया। नित्या खाएगा, नित्या खाएगा। हाँ बच 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 बच। कैसा हुआ? अच्छा था, अच्छा था, नहीं था? तो जैसे हम लोग वहाँ से घर पहुँचे ना, तो अभी पूजा और मैं जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कुछ सामान रखना है घर के लिए, और उल्टी ना होने वाली दवा भी लेके आनी है, और भी कुछ है मतलब याद नहीं आ रहा है। तो पूजो और मैं जा रहे हैं। चलो, वैसे अभी धूप लगने लग गई है ना, यहाँ का मौसम का ना कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी बढ़िया सी धूप लगी हुई है। खैर हमने तो जाना ही है, सामान लाना है, उसके बाद परसों घर भी जाना है। घर जाने की खुशी जो हो रही है, क्योंकि घर जाके हम अपने स्विमिंग पूल में नहाएंगे ना, नदी वाले में एकदम शुद्ध और साफ पानी में। आ हाँ, यहाँ का गंदा पानी था? पानी गंदा नहीं था, मगर तालाब भी तो नहीं है, पानी उतना क्लियर एंड क्रिस्टल नहीं है ना। चले चलो। डून लव। तो चलिए जी, इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं मन्या के स्टूडियो। और अब यहाँ क्यों पहुंचे पता है? क्योंकि मैंने मन्या को बोला था कि वो दवा और जो बैटरी की बात मैं कर रहा था, वो अगर तेरे को मिलेगी तो तू ले लेना करके। तो उसको मिल गई है, और अच्छी बात ये है कि उसने रख भी लिया। तो उसी के पास जा रहे हैं और उससे दवा और बैटरी लेने के बाद हम निकल जाएंगे। थोड़ा जल्दी आ गए ना हम, उम्र जैसी हो रही है ना। अभी तो इसके बाद कुछ कपड़ा लेने भी जाना है पूजू के साथ। कौन से मार्केट जाना है? पलटन बाजार, फेमस है। बस सामने लिखा है फ्लक्सिंग टैटू, तो हम लोग यहीं जा रहे हैं। आ जा। ओए क्या बोलती पब्लिक? खुश रहो खुश रहो। क्षितिज आज नहीं कर रहा तू लाज बनने की प्रैक्टिस? पूरा गीला हो चुका हूँ ब्रो, पसीने से ब्रो। बाहर की वजह से क्या भाई? मैं यहाँ से उधर गया, वहाँ से इधर गया, इधर से इधर आया हूँ। जहाँ भी आया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। हेलो गोरम गोरम, कैसा है? अच्छा है। थोड़ा जोर से बोल ले, आवाज कहाँ गई? खाना नहीं खाया तूने आज? अच्छा है, चल ठीक है भाई। ये दवाई वाले ने उतना तड़ पाया जितना बैटरी वाले ने तड़ पाया भाई। एक घंटे तक खड़ा हूँ वहाँ पे, एक बैटरी के लिए बस यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ वहाँ। चल कोई नहीं, फिर से धन्यवाद यार भुला इतनी मेहनत करने के लिए।
तो चलिए जी, इसी के साथ हम लोग बाजार का काम पूरा करके घर पहुंच गए हैं। बाकी नित्या अभी अपने मौसी के साथ खेल रही है। पापा चिंग, पापा बोल दे एक बार और। पापा बोल दे। नो बोल दे। पापा ना बोल दे। बोल दे गंजू। ना बोल दे। बोल दे बोल दे बोल दे पापा। बोल दे पापा। पापा पापा। और साथ ही हमारी अब घर जाने की भी पूरी पूरी तैयारी हो गई है। तो घर आते ही ना नहाना भी हो गया था बढ़िया करके, क्योंकि बाजार में थोड़ी बहुत उमस हो गई थी। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।